हेलो फ्रेंड्स, हमें किस्मत अपना देशन किस्मत है यूट्यूब चैनल। तो ये चैनल हमारा ऑल इंडिया जॉब वैकेंसी प्रत्येक सप्ताह हमारा वैकेंसी जॉब रिलेटेड ऑल इंडिया जॉब वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं अपडेट नहीं आसी। तो आज में नहीं किस MCQ तो जेटी प्राय क्या कम्पिटिटिव एग्जाम एस थे तो देखे ना विस्तारित भिडियो माध्यम। तो प्रश्न हुए देखे प्रथम प्रश्न हे एक नम्बर प्रश्न हे लाफिंग गैस की। तो उत्तर हो जाए नाइट्राइस अक्साइड के लाफिंग गैस बोले। तो दो नम्बर प्रश्न देखे ने दार्शनिकर उल की नाम परिचित। दार्शनिकर उल की नाम परिचित बा की। तो जिंक अक्साइड हे दार्शनिकर उल नाम परिचित अर्थात जिंक अक्साइड दार्शनिकर उल नाम परिचित। एरपर देखे ने तीन नम्बर प्रश्न कि बोला जाए ना सापर विषय कौन धातुर अणु थे। सापर विषय कौन धातुर अणु थे तो ये बला है जिंक अणु थे। ये जिंक अणु थे। तो चार नम्बर अपशन देखे ने कौन धातुर ओपर आघात कर ले शब्द है ना। उत्तर हो जाए एंटीमनी। तो पाँच नम्बर प्रश्न देखे ने सबचे सक्रिय धातु की। सबचे सक्रिय धातु हे पटाशियम। और एक कथा बोले रखी जरा हमारे चैनल नतून तक चैनल के अवश्य सब्सक्राइब कर दिन पास बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर देते। इरपर देखे ने छ नम्बर प्रश्न कि बोला ना सादे मिष्टि किंतु कार्बोहाइड्रेट नय। प्रश्नटी हे सादे मिष्टि किंतु कार्बोहाइड्रेट नय। उत्तर हो जाए ग्लिसारिन। एरपर सात नम्बर प्रश्न देखे ने कौन धातुर ओपर आघात कर ले शब्द है ना। उत्तर हो जाए एंटीमनी। एरपर आठ नम्बर प्रश्न कि बोला जाए ना माछी दे कयटी क्रोमोजोम थे। अर्थात माछिर देहे माछिर कयटी क्रोमोजोम थे। तो ये बला जाए 12। तो मानुष क्षेत्र 46 एवं कुकुरेर कयटी क्रोमोजोम थे एखे हो जाए 78। कुकुरेर 78 क्रोमोजोम थे। मुरगीते थे कयटी क्रोमोजोम ना 78। मुरगीते 78 थे। तो आज के पर्यन्त नमस्कार। तो भिडियो भाव लगे थे लाइक कमेंट शेयर कर देव हमारे चैनल नतून हो चैनल के अवश्य सब्सक्राइब कर देवें पास बेल आइकन प्रेस कर अल नोटिफिकेशन ऑन कर देवें। सब आगे सर्वदा हमारे भिडियो पहुंचे जाए। आज के पर्यन्त नमस्कार।